नमस्ते, मैं डॉक्टर यश विलनकर और आप देख रहे हैं माइंडफुलनेस फॉर हेल्थ ये यूट्यूब चैनल। डैनियल केनमन एक नोबेल लॉरेट है, उन्हें बिहेवियर इकोनॉमिस्ट इस सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज मिला है। वो असल में साइकोलॉजिस्ट है और उन्होंने अपनी करियर में जो कुछ रिसर्च किया है उसका एक महत्वपूर्ण जो कुछ थेसिस है वो उन्होंने अपने एक बुक में लिखा है और वो बुक का नाम है थिंकिंग स्लो एंड फास्ट। वो जो उन्होंने उस बुक में लिखा है वो हमें अपने लाइफ में भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे बहुत से डिसीजन हमें ऐसा लगता है कि हमने विचार करके लॉजिकल थिंकिंग करके वो डिसीजन लिया है। वो डिसीजन शेयर खरीदी का हो सकता है या कोई भी फिनेंशियल डिसीजन हो सकता है, लेकिन बहुत बार वो डिसीजन इमोशनल डिसीजन होता है और वो फास्ट थिंकिंग के कारण होता है। तो फास्ट थिंकिंग यानी कि अपने मन में अपने आप जो विचार आता है और उस विचार के फ्लो में ही हम विचार करने लगते हैं, तो उसे ही फास्ट थिंकिंग ऐसा हम कह सकते हैं। अपने जो कुछ संस्कार है, अपने जो कुछ इमोशंस है, अपने जो कुछ वैल्यूज है, मूल्य है, उसके हिसाब से ये अपने मन में विचार आता है। तो कोई भी घटना बाहर होती है या हम कुछ आवाज़ सुनते हैं और तुरंत अपने मन में जो विचार तैयार होता है वो फास्ट थिंकिंग है, और वो अपने सुप्त मन में, अपने अजागृत अनकॉन्शियस माइंड में जो कुछ स्टोर होता है उसके कारण ही ये विचार आता है। अब स्लो थिंकिंग यानी कि जब हम जानबूझकर विचार करते हैं तो मन में आया हुआ ये विचार, ये एक शक्यता है, एक पॉसिबिलिटी है, इसका जब हमें अवेयरनेस रहता है, और उसकी दूसरी पॉसिबिलिटी भी क्या हो सकती है और कोई पर्याय हो सकते हैं क्या, इनका जब हम विचार करते हैं तो वो स्लो थिंकिंग होता है। तो सारी इंट्यूशंस ये फास्ट थिंकिंग है क्योंकि वो अपने आप मन में आती है, लेकिन सारी इंट्यूशंस सच नहीं होती। ऑल थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। जब ये मन में इंट्यूशन यानी कि ऐसा कोई लगता है वो अच्छा होगा तो ठीक है, लेकिन बुरा होगा ऐसा भी मन में विचार आ सकता है, मुझे एक्सीडेंट होगा ऐसा ऐसी विचार आ सकती है, और ऐसी विचार ही चिंता पैदा करती है, डर पैदा करती है। तो मन में जो कुछ ऐसी जिसे हम इंट्यूशंस कहते हैं, अपने आप आने वाले विचार कहते हैं, वो सब फास्ट थिंकिंग है और वो सब अपने जो कुछ संस्कार है उसके कारण ही पैदा होते हैं। तो वो फास्ट थिंकिंग तो हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन वो फास्ट थिंकिंग के कारण मन में जो कुछ विचार आता है उसे कितना इम्पोर्टेंस देना है ये हम चूज कर सकते हैं। और इसीलिए इस प्रैक्टिस की माइंडफुलनेस या साक्षी ध्यान हम कर सकते हैं। तो मन में विचार आया, ओके, इस क्षण में मन में ऐसा विचार आया, ऐसा हम उस विचार से अलग होकर देखने की जो कुछ कला है वह ही प्रैक्टिस से हम बढ़ा सकते हैं। सिर्फ वो फास्ट थिंकिंग और स्लो थिंकिंग पुस्तक हमने पढ़ा तो ये स्किल बढ़ा नहीं सकते। उसके लिए कुछ समय निकाल कर अपने मन में कौन से विचार अपने आप आते हैं उन्हें देखना चाहिए। कोई भी आवाज़ सुनाई पड़ी तो मन में क्या विचार आती है उसे देखना चाहिए। कोई भी घटना घटी तो मन में क्या विचार आता है उन्हें देखना चाहिए। और ऐसे जो कुछ विचार आते हैं और उन विचारों के कारण अगर हम अपना वर्तन करते हैं, हम बातें करते हैं, तो उसे ही हम स्वभाव कहते हैं। और इंसान एक ही ऐसा जानवर है जो अपना स्वभाव बदल सकता है। बाकी सब जानवर जो उनका स्वभाव है वैसे ही उनका बर्ताव रहता है, क्योंकि उनका सारा जो कुछ वर्तन है वो
फास्ट थिंकिंग के कारण ही होता है, वो स्लो थिंकिंग नहीं कर सकते। स्लो थिंकिंग करना ये सिर्फ इंसान को ही शक्य है, और इसीलिए हमें ये स्लो थिंकिंग की जो कुछ क्षमता है वो बढ़ानी चाहिए। फास्ट थिंकिंग कुछ समय आवश्यक होता है, जब हम खेलते हैं तो उस समय स्लो थिंकिंग के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। जब हम ड्राइव करते हैं तो हमारे जो कुछ रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ है और वो डिसीजन लेना होता है, इस क्षण ओवरटेक करना है या नहीं करना है, वो फास्ट थिंकिंग से होना चाहिए। लेकिन ये फास्ट थिंकिंग हर डिसीजन में आवश्यक नहीं होता। जब हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट शेयर करते हैं, पोस्ट लिखते हैं, कोई कमेंट लिखते हैं, जब हम बातें करते हैं, उस समय ये फास्ट थिंकिंग को महत्व न देकर जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज है उस पे विचार करना चाहिए। वो स्लो होता है लेकिन वो अधिक ठीक हो सकता है, और इसीलिए ये जो स्लो थिंकिंग और फास्ट थिंकिंग, इसमें जो कुछ अंतर है वो महसूस करना चाहिए। अपने आप मन में कौन से विचार आते हैं और मैं कौन सा विचार कर रहा हूँ, ये जब हम खुद को सवाल पूछते हैं तो ये दोनों में जो कुछ अंतर है वो हमें महसूस होता है। उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी हम ये जो फास्ट थिंकिंग का ट्रैप होता है, नहीं तो हमेशा हम वो जो कुछ मन में विचार आता है और वैसे ही बर्ताव करते हैं, वो ट्रैप से बाहर निकलने के लिए स्लो थिंकिंग की एबिलिटी वो बढ़ानी चाहिए।